good morning my dear students and faculty members who are watching this video and this channel myself dr k. s. sony associate professor in zoology godwin Lohia postgraduate college churu affiliated to maharaja ganga singh university in today's lecture series of biotechnology i'm going to डिलीव माई शॉर्ट टॉक ऑन सी डी एन ए लाइब्रेरी प्रिय साथियों और विद्यार्थियों आज बायोटेक्नोलॉजी की व्याख्यान माले की श्रृंखला में सी डी एन ए लाइब्रेरी पे मैं आपसे चर्चा करूंगा पिछले काफी दिनों से स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट थी क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाएं इस समय होने जा रही है विशेषकर जैसे कॉलेज लेक्चर्स की एग्जाम उनका शेड्यूल है वो डिक्लेयर हो चुका है इसके अलावा गेट के एग्जामिनेशंस हैं एमएससी के एग्जामिनेशंस हैं और इन एग्जामिनेशंस में हाँ विशेषकर जो रिसेंट जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे माइक्रोबायोलॉजी है बायोटेक्नोलॉजी है बायोकेमिस्ट्री है मोलक्यूल बायोलॉजी है, है, है साइटोटेक्निक्स है इन सब्जेक्ट से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो पूरे भारतवर्ष से आ, कम से कम 300-400 स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की है कि आप सी डी एन ए लाइब्रेरी जिनोम लाइब्रेरी जिनोम सिक्वेंसिंग इसके अलावा एलाइजा क्या है नॉर्थन हाइब्रिडाइशन क्या है ब्लॉटिंग टेक्निक क्या है ईस्टर्न ब्लॉटिंग क्या है वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या है सेपरेशन टेक्निक है जैसे क्रोमेटोग्राफी uh, है जैसे इलेक्ट्रोफोरोसिस है तो आप इन छोटे छोटे टेक्निक्स पे आप शॉर्ट वीडियो बना के आप हमसे शेयर करें uh, इन्हीं विद्यार्थियों की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए मैं बीच बीच में छोटे वीडियो जिनको आप शॉर्ट नोट्स के रूप में भी इनको आप यूज़ में ले सकते हो और काफ़ी कंसेप्चुअल और फंडामेंटल वीडियोस हैं और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में ये काफ़ी कामगार सिद्ध होंगे लाभप्रद सिद्ध होंगे आ, ऐसी मेरी मान्यता है सो टू डे बाई गोइंग टू डिस्कस ऑन सी डी एन ए लाइब्रेरी सी डी एन ए लाइब्रेरी क्या है कैसे इसका निर्माण करते हैं सी डी एन ए लाइब्रेरी और जिनोब लाइब्रेरी में क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं और इनकी सिग्निफिकेंस क्या है इनकी एप्लीकेशंस क्या है इन सभी पहलुओं को टच करते हुए बहुत ही संक्षिप्त में मैं ये लेखन आपके लिए शेयर करूंगा अब फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सी डी एन ए लाइब्रेरी ट्रू कॉपी ऑफ मैसेंजर आर एन ए इज कॉल्ड सी डी एन एम आर एन ए की जो वास्तविक कॉपी जो होती है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से बनती है ट्रू कॉपी सी डी एन ए के नाम से जानी जाती है दिस सी डी एन ए कैन बाइंड विथ ए सूटेबल वैक्टर एंड इट मॉडिफाइज ए बैक्टीरियल सेल ये सी डी एन ए जो होता है ये किसी उपयुक्त वैक्टर के साथ उपयुक्त क्लोनिंग व्हीकल के साथ ये बाइंड हो सकता है और बैक्टीरियल सेल को ये मॉडिफाइज कर सकता है ऑप्टेनिक ऑफ सी डी एन ए फ्रॉम डबल स्टैंडीएनए टिपिकल फ्रॉम मैसेंजर आर एन ए अब डबल्स एन डी एन ए से सी की जो प्राप्ति है वो एक डिफिकल्ट टास्क है टिपिकल टास्क है इसलिए मैसेंजर आरएनए को सी की प्राप्ति के लिए एक बढ़िया मॉडल के रूप में इसको काम में लिया जाता है सो ऑप्टेनिंग ऑफ सी डी एन ए फ्रॉम डबल्स इज मॉट टिपिकल इट इज ऑप्टेन फ्रॉम एम आर एन ए According to William, 1981, CDNA clone bank is a group of modified bacteria. Uh, William के अनुसार, CDNA clone bank जो होता है, ये modified bacteria का एक group होता है और कुछ नहीं है. In this, plasmids are present with CDNA. इस group में plasmid CDNA के साथ उपस्थित होते हैं. In a complete bank, फाइव थाउजेंड टू टेन थाउजेंड क्लोन मस्ट भी प्रेजेंट एक संपूर्ण जो बैंक होता है एक जो लाइब्रेरी होती है उसके अंदर 5000 हजार से लेके दस हजार तक है, क्लोन है वो उपस्थित हो सकते हैं है, अब ये सी डी एन ए लाइब्रेरी का बनाने का जो प्रोसेस है बहुत ही सिंपल प्रोसेस है लेकिन बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लेबोरेटरीज की इसमें आवश्यकता होती है एक्सपर्ट साइंटिस्ट की इसमें आवश्यकता होती है लेमेन uh, साधारण जो स्टूडेंट uh, है वो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनकी ट्रेनिंग का प्रोटोकॉल होता है और काफी सैंपल प्रोड्यूस करने के बाद में uh, इसके अंदर हाथ के अंदर सफाई आती है एक्सपर्टाइजेशन है वो डेवलप uh, होता है तो सी डी ए लाइब्रेरी कैसे बनाएं इसका ये uh, एक बहुत ही शॉर्ट प्रोसीजर यहाँ पर मैंने पिक्टर के माध्यम से मैंने आपसे शेयर किया है सिंथेसिस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड सी डी एन सबसे पहले एम को उपयोग में लेते हुए सी डी एन को उत्पन्न किया जाता है अब चूंकि एम से डीएनए बन रहा है तो डेफिनेटली ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया है एक तरह से टेमिनिज्म की प्रक्रिया है और इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा एमआरएनए से सी डी एन की प्राप्ति होती है अब इस फिगर में आप देख रहे हो ये हरे रंग में जैसे एम आर एन ए दिखाए हैं और इसे हमारे में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से यह सी डी एन ए की फॉर्मेशन हो गई है मिथाइलेशन ऑफ एट इंटरनल साइट अब ये जो CDNA जो बना इसके अंदर इंटरनल मिथाइलेशन का प्रोसेस होता है क्योंकि जो भी आ, सेल के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स बनता है उसका मिथाइलेशन होना बहुत जरूरी है अदरवाइज तो क्या होगा एक्सो न्यूक्लियर एंजाइम जो होते हैं एंडोन्यूक्लियर एंजाइम जो होते हैं ये इस डीएनए को डिग्रेड कर सकते हैं डाइजेस्ट कर सकते हैं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और मिथाइलेशन होने के कारण इस डीएनए की स्टेबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है इसका स्थायित्व इत बढ़ जाता है इसकी हाफ लाइफ जो होती है वो बढ़ जाती है जो मिथाइलेशन ऑफ सीडीएनए एट इंटरनल साइट्स इंटरनल साइट्स पे इस मिथाइलीकरण होता है अटैचमेंट ऑफ लिंकर्स एंड एडेप्टर्स एंड रेस्ट्रिक्शन अभी से सीडीएनए में

इस उपयुक्त क्लॉनिक व्हीकल या वेक्टर में इसको इंजेक्ट कर दिया जाता है और लाइगेस एंजाइम से इसको जोड़ दिया जाता है इंट्रोडक्शन होस्ट सिस्टम फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ इसके पश्चात इस लाइगेटेड वैक्टर्स को आ, किसी बैक्टीरियल हॉस्ट में इसको इम्प्लांट किया जाता है और बैक्टीरिया में इसका मल्टीप्लीकेशन होता रहता है एम्प्लीफिकेशन होता रहता है और सीडीएन ए क्लॉन्स की हजारों की संख्या में प्रतिकृति जो होती है कॉपी जो होती है वो इसके अंदर बनके तैयार हो जाती है इस फिगर में आप देख रहे हो ये जैसे एम आर एन है ग्रीन कलर में एमआरएन ए इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुआ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होने से इस एम आर एन ए से ये सी डी एन ए कॉपी बन गई इस सी डी एन ए को भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा डाइजेस्ट करेंगे और इधर जो क्लोनिंग वेक्टर जो है क्लोनिंग व्हीकल है इसको भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा डाइजेस्ट करेंगे अब इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेशन के बाद में आप देख रहे हो इसके अंदर ये खाली स्पेस है डेवलप हो गई अब ये जो ब्रेकिंग है यहाँ पर ब्रेकिंग ब्रेकिंग है Staggered breaking नहीं है दिखा है नहीं विदलन इसमें और इसके अंदर नाइट्रोजन बेस की न्यूक्लियोटाइड की सिक्वेंसी इसके अंदर प्रजेंट है अब ये जो जो सी डी एन ए जो बना इस सीएडीएन ए को इस बैक्टीरियल प्लाज्मिड के अंदर जोड़ दिया जाता है इंजक्ट कर दिया जाता है और ये घटना लाइगेशन कहलाती है इसमें लाइगेशन जैम का उपयोग किया जाता है अब इस वेक्टर को जिसके अंदर ये बाहरी डीएनए जुड़ा हुआ है इस वेक्टर को इस बैक्टीरिया के अंदर इंजर्ट कर लिया जाता है अब इस बैक्टीरिया के अंदर रैपिड मल्टीप्लीकेशन होता है रेप्लीकेशन होता है और रेप्लीकेशन होता है तो इस वैक्टर की हजारों की संख्या में इसकी प्रतिकृति जो होती है वो बन जाती है और इस तरह हजारों रेप्लीकेशन कॉपीज का ये जो ग्रुप जो होता है ग्रुप सी डी एन ए लाइब्रेरी के रूप में जाना जाता है और इस तरह अलग अलग तरह के सी डी एन ए की आप कॉपीज को डेवलप करके इस तरह की सी डी एन ए लाइब्रेरी है वो बनाई जा सकती है हा अब इसमें जीनोमिक लाइब्रेरी और सी डी एन ए लाइब्रेरी में बेसिक डिफरेंस क्या है तो कई बार ये भी बच्चों के दिमाग में बहुत कंफ्यूजन रहता है कि जीनोमिक लाइब्रेरी और सी डी एन ए लाइब्रेरी कैसी है इनमें क्या क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं और जबकि बच्चे इस इस बात पे कंफ्यूज होते हैं कि दोनों को बनाने का जो प्रोसेस है प्रोसीजर जो है डेवलप करने का प्रोसीजर है वो अलग अलग मिलता जुलता सा है इसीलिए बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं लेकिन इसके अंदर जो बेसिक जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो मैं आपसे शेयर करूंगा सो व्हाट आर द मेजर डिफरेंसिस बिटवीन जीनोमिक लाइब्रेरी एंड सी टी एन ए लाइब्रेरी अब जीनोमिक लाइब्रेरी जो होती है इट इंक्लूड्स ऑल पॉसिबल fragments ऑफ डीएनए फ्रॉम ए गिवन सेल और ऑर्गेनिज्म इसमें entire सेल entire ऑर्गेनिज्म के डीएनए फ्रेगमेंट जो होते हैं वो इसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं जबकि सी डी एन ए लाइब्रेरी में इट कैरीज ओनली एक्सप्रेस्ड जीन सिक्वेंस इसमें जिस जीन की अभिव्यक्ति होती है केवल उसी की श्रृंखला वाला डीएनए इसके अंदर यूज किया जाता है जीनोमिक लाइब्रेरी आर लार्जर इन साइज याकार में बड़ी होती है री और स्मॉलर इन साइज जीनोमिक लाइब्रेरी रिप्रेजेंट दिनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्मिक लाइब्रेरी जो होते हैं किसी भी सजीव का एंटायर सीनोम और जीनोम जो होता है वो है इस एंटायर जीनोम के अंदर कॉडिंग और नॉन कॉडिंग दोनों श्रंखला वाली सिक्वेंस इसके अंदर प्रजेंट होती है जबकि सी डी एन ए लाइब्रेरी में इट रिप्रेजेंट्स ओनली द एक्सप्रेस पार्ट ऑफ दिन एंड कंटेन ओनली कॉडिंग सीक्वेंसेज आर कॉल्ड एज इ एस टी और सी डी एन ए लाइब्रेरी के अंदर इंटायर जीनोम जो नहीं होता है इंटायर जीनोम में जो श्रंखलाएं अभिव्यक्त तो होनी है uh, केवल वही संख्याएं इसमें कॉडिंग श्रंखलाओं के रूप में प्रजेंट होती है uh, जिसको ई एस टी के नाम से जाना जाता है एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स टेकन फ्रॉम जीनोमिक लाइब्रेरी इज डिफिकल्ट प्रकैरियोटिक सिस्टम लाइक बैक्टीरिया ड्यू टू एब स्प्लिस में कई बार ये प्रॉब्लम आती है कि विशेषकर जो बैक्टीरिया है, है इसके अंदर स्प्लिसम नहीं होने के कारण इनकी जो अभिव्यक्ति होती है इनका जो एक्सप्रेशन होता है वो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है लेकिन सीएडीएन ए लाइब्रेरी के अंतर्गत सीएडीएन एज ऑनलीक्वें देर फॉर कैन बी डायरेक्टली एक्सप्रेस प्रोकैरियोटिक सिस्टम और की उपस्थिति के कारण अभिव्यक्ति होती है वो जीनोमिक लाइब्रेरी की तुलना में काफी आसान है और नेक्स्ट डिफरेंस इसमें है वेक्टर यूज इन जीनोमिक लाइब्रेरी इनक्लूड्स प्लास्मिट कॉस्मिट लेमडाफेग बी एंड वाई ए सी इन ऑर्डर टू अकोमोडेट लाइट फेगमेंट तो जिनोमिक लाइब्रेरी में जो वैक्टर्स यूज किए जाते हैं ये वैक्टर्स मुख्यतः हो सकते हैं कास्मीड हो सकते हैं ए सी हो सकते हैं हो और वाई ए सी हो सकते हैं जबकि सी डी एन ए लाइब्रेरी में जो वैक्टर्स जनरली काम में लिए जाते हैं उसमें भी मुख्य रूप से प्लाज्मीट है लेमडाफेक है है टू अकोमोडेट स्मॉल फ्रेगमेंट्स एज सी डी एन एज नो इंट्रॉन्स तो यहाँ पर भी वेक्टर के रूप में प्लाजमिट फेसमिट लेमडाफे इसको कम में लिया जाता है तो ये कुछ फंडामेंटल डिफरेंस है जीनोमिक लाइब्रेरी और सी डी एन ए लाइब्रेरी में तो यहाँ पर आप देख रहे हो जीनोमिक लाइब्रेरी में इंटायर जीनोमिक सीक्वेंस है जिसमें एक्सॉन भी है इंट्रॉन भी है कोडिंग सीक्वेंस भी है नॉन कोडिंग सीक्वेंस भी है जबकि सी डी एन ए लाइब्रेरी में पर्टिकुलर सीक्वेंस है जिसका एक्सप्रेशन हो रहा है वही प्रोजेक्ट होती है इसलिए जीनोमिक लाइब्रेरी की साइज है वो बड़ी होगी और सीडीएनए लाइब्रेरी की साइज जो होती है वो छोटी होती है और लास्ट में इनकी एप्लीकेशंस क्या हो सकती है? इस, है और विशेषकर नेट जी आर एफ की एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में क्वेश्चंस कई बार पूछे और व्हाट आर दूजेज ऑफ सी डी एन ए लाइब्रेरी इसके जो इम्पोर्टेंट जो एप्लीकेशंस हैं इसके जो यूज है

सबसिक्वेंटली आइसोलेटिंग दीन्स फॉर दर एस लाइब्रेरी का मुख्य उपयोग के आइसोलेश विचित्र बात है कि एम आर ए से आप सीडीएनए बना रहे हो और इसी सी डी एन ए का उपयोग एमआरए की फॉर्मेशन में भी किया जा सकता है डिस्कवरी ऑफ नॉवल जीन्स तो कई बार जो Uh, आदर्श जीन जो होते हैं uh, उनकी खोज में भी इन लाइब्रेरी का बहुत उपयोग किया जाता है क्लोनिंग ऑफ फुल सी डी एन ए मॉलिक्यूल्स फॉर इन ऑफ़ जीन फंक्शन यानी आउटसाइड द बॉडी इन कल्चर मीडियम सी डी एन ए मॉलिक्यूल्स का जो यूटिलाइजेशन है इनका जो अपलिकेशन है वो जीन की कार्य प्रणाली के अध्ययन में किया जाता है स्टडी ऑफ द रेपर टॉयर इफ एमआर एक्सप्रेस इन So, <स्थाँग> हाँ डिफरेंट सेल्स और टिश्यूज तो एम आर ने जो है इसकी अभिव्यक्ति अलग अलग सेल्स और अलग अलग टिश्य किस प्रकार की है इस लाइब्रेरी के द्वारा और टिश्यूज अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग उत्तकों में अल्टरनेटिव स्प्लेसिंग की जो स्टडी होती है अध्ययन है वो इस सी डी एन ए लाइब्रेरी के द्वारा हाँ कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हो इससे सी डी एन ए लाइब्रेरी के काफी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन आजकल बायोटेक्नोलॉजी में बायोलॉजी के क्षेत्रों में की जाती है। तो ये में, में एक बहुत ही शॉर्ट में नोट के रूप में आज का अपना व्याख्यान सी डी एन ए लाइब्रेरी और एक बार मंथ में आई एम हाईली थैंकफुल टू यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड माई चैनल और सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलराइज करें और विशेषकर साइंस के जो बच्चे हैं यंग टैलेंट जो स्टूडेंट्स हैं और यंग प्रोफे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जिनका हाल ही में अपॉइंटमेंट हुआ है और वो अपनी टीचिंग स्किल्स में एक्सपर्टाइजेशन करना चाहते हैं फंडामेंटल्स को एक अच्छे तरीके में एक्सप्लेन करना चाहते हैं उन साथियों के लिए भी ये व्याख्यान उपयोगी सिद्ध होगा ऐसा मैं मानता हूँ और अंत में हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से हमारे कॉलेज की तरफ से मेरी तरफ से आई एम हाईली थैंकफुल टू यू हैव ए गुड डे हैव ए ग्रेट डे थैंक यू वेरी मच